अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई किरण, नई उम्मीद, नई रातों के साथ मैं आपकी शेफ सैयदा दामी एक बार फिर आपके खिदमत में शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं टी टाइम की शान आलू छोले। आलू छोले बना रहे हैं हम। उससे पहले आपको बता दें, हमारे मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं है, हर तरफ वायरस फैला हुआ है, करोना वायरस। तो आप उसके लिए दुआ कीजिए और घर में ही रहकर मज़ेदार से आलू छोले बनाएं और अपने घर वालों को लुत्फ़अंदोज़ करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। तो देखें, इसके लिए हमने यहाँ पर छोले लिए हुए हैं। इन छोलों को मैंने बॉयल करा हुआ है, ठीक है। देखें, यहाँ पर हमने कुछ सैलड का सामान लिया हुआ है, सलाद का सामान लिया हुआ है। देखें, इसके लिए हमने लिया है खीरा लिया है, प्याज ली है, सलाद का पत्ता लिया हुआ है, इसको हमने धो के बारीक बारीक काट लिया है, कैबेज ली हुई यानी बंद गोभी, मूली ली हुई है हमने यहाँ पर, टमाटोज लिए हैं यानी टमाटर, और बीच में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को काटा है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने दही यूज़ किया हुआ है। दही में मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट डाल के बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इमली और आलू बुखारे की चटनी यूज़ की है। मैं आपको ये बनाना सिखा चुकी हूँ, इसलिए आप मेरे पेज पे जाकर देखें इसकी रेसिपी। और ये देखें, इधर हमने नमक लिया हुआ है, इधर हमने वाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, चाट मसाला थोड़ा सा यूज़ किया है, और उसके साथ भुना कुटा जीरा पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आलू यूज़ किए हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे आलूओं की शक्ल कैसी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। इन आलूओं को मैंने थोड़ा सा फूड कलर लगा के बॉयल किया हुआ है, इसलिए ये ऐसे हैं, येलो फूड कलर मैंने इसको लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बाउल में डालूँगी आलू छोले डालूँगी मैं पहले। व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं सेंटर में कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। देखें, जैसे कि अभी मैंने इधर लेमन ले लिया है, ठीक है। देखें, अब हम इसमें डालेंगे अपने ये सैलेड, ठीक है। देखें व्यूअर्स, मैंने अपने ये परात में डाल दिया है, क्योंकि परात में अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। मैंने अपनी सारे सैलेड को पहले से ही मिक्स कर लें, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। अब इसको इसमें डालें, हम मिक्स करेंगे, सारी सैलेड को डाल दें, थोड़ी थोड़ी सी लगी भी हो साइड। अब हम इसमें डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ, हम अब इसमें अपने हमारे मसाले डालेंगे। चलो जी, ये मसाले हमने डाले। अब हम इसमें डालेंगे आलू, ठीक है, ये डालेंगे। अब हम इसमें डाल दें, अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसके सारे हम बीच, इसके देखेंगे सेंटर में सारे बीच हैं, ये निकाल दें, वरना ये मुंह में आते हैं तो बहुत अजीब से लगते हैं, ठीक है। निचोड़ दें अच्छी तरह से। अभी मैं हाफ लेमन लूँगी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि और हम डालना है तो मैं बाकी के भी डाल दूँगी, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सा अच्छा कलर लग रहा है, सब सारे कलर इसमें ऐड हुए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, तो मिलते हैं मिक्स करने के बाद। देखिए जी, अब मैं इसमें दही डाल दूँगी, जो मैंने काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के बनाया हुआ है। आप नमक देखकर डालिए, क्योंकि हमारे दही में भी नमक होगा, इसलिए अगर आपको ज़रा ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें ये नहीं डालें। तो व्यूअर्स, आपके लिए आसानी हो गई होगी हमारी इस वीडियो से, वरना हम लोग जब हमारा ये चैनल नहीं था तो हम घर में सबसे पूछते थे कि कैसे बनाएँ, तो कोई हमें बताता नहीं था। हमारी माम बता देती थी, नानी दादी बता देती थी, और कोई कोई बताता था। तो ये बहुत आसानी हो गई होगी आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग आराम से इसमें देख लेते हैं आप YouTube में कि क्या क्या डालना है, ठीक है। मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं मैंने आलू कितने बारीक बारीक से काटे हैं, क्योंकि छोटे छोटे हमने पीसेस में काटे हैं, क्योंकि आलू तो आलू छोले में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें ये वाली चटनी के 1 से 2 चम्मच डालूँगी, बाकी जिसने डालनी होगी वो अपनी प्लेट में ही डाल लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून इमली और आलू बुखारे की चटनी ऐड कर दी है, जो कि बहुत मज़े की बनी है। तो आपने नमक को बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि इसमें भी हमने नमक डाला था, आलू छोले में भी हम नमक डालेंगे, और रायते में तो हमने डाला ही है नमक, ठीक है। तो नमक को ज़रा देख के एहतियात से डालिएगा। फ्रेंड्स, हम टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए हमने टमाटर थोड़ा ही डाला है कलर के लिए। अगर आपको टमाटर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं।
और जो जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं आप उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि अब हम इसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए जी, अब हमने इसको अपने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। देखें, खीरे के हमने स्लाइसेस कट करे हुए हैं, खीरे के स्लाइसेस को लगाएं एंड पे। देखें जी, खीरे का तो हमने लगा दिया है। अब हम इसमें अपनी चटनी डालेंगे, जो हमने आलू और इमली बुखारे इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई है उसको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर छिड़केंगे। ये देखें जी, हमने इसको ऊपर लगा दिया है। अब हम अपना एक लेमन का स्लाइस लेंगे, सेंटर में से आलू को थोड़ा साइड पे करेंगे और इधर ये लेमन का स्लाइस रखेंगे, तो तिरछा करके इसकी साइड पे आलू रखेंगे, ये देखिए। और अगर आपको मेरी सैलेड देखनी है कि हम सैलेड कैसे बना सकते हैं, अच्छी सैलेड हम कैसे बना सकते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी और बाकी की चीज़ें भी सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार से आलू छोले तैयार हो गए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, आगे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।